नागपुर शहर की पुलिस हमेशा अलग अलग रूप से आकर्षक ट्वीट करके लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करती है। ज्वलंत मुद्दों के बारे में नागपुर पुलिस नागरिकों को विभिन्न अपराधों की जानकारी देकर उन्हें विभिन्न अपराधों से बचाने के लिए ट्वीट के माध्यम से काम करती है। लोगों को अपने दैनिक जीवन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें हल करने के लिए ट्विटर एक बहुत ही उपयोगी उपकरण बन गया है। इसी बीच नागपुर पुलिस के एक हालिया ट्वीट ने देशव्यापी चर्चा छोड़ दी है। लोगों को ठगने के लिए विभिन्न लिंक भेजने वाले साइबर अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए नागपुर पुलिस ने पुष्पा के फिल्म पोस्टर के आधार पर जागरूकता बढ़ाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में देश भर से फिल्म पुष्पा के गाने और डायलॉग लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं। युवा वर्ग में पुष्पा का अच्छा खासा क्रेज है। इसी के चलते लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए नागपुर पुलिस ने भी पुष्पा की मदद ली है, क्योंकि हर जगह पुष्पा का अलार्म बज रहा है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाता क्या, फायर है मैं। इसके साथ ही डायलॉग मैं झुकेगा नहीं के साथ नागपुर पुलिस ने पुष्पा का एक पोस्टर ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है मैं उस लिंक को नहीं खोलूंगा। साइबर क्राइम से लोगों को बचाने के लिए पुष्पा की फोटो पर यह चीज लिखी गई है। नागपुर वालों को यह फोटो काफी पसंद आ रही है, वही फोटो पर लाइक्स की बारिश भी हो रही है। शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा है कि नागरिकों को साइबर अपराध का शिकार होने से बचाने के लिए नागपुर पुलिस ने एक जन जागरूकता अभियान ट्वीट किया है। बता दें कि नागपुर पुलिस द्वारा हमेशा ही मीम्स के माध्यम से ट्वीट किए जाते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रसार के कारण नागपुर में 31 पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके चलते क्या हम आपके साथ पार्टी में जुड़े, यह सवाल नागपुर पुलिस ने ट्विटर पर पूछा था। इसके पश्चात चंद्रयान 2 मिशन में भेजे गए लैंडर विक्रम का इसरो के विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था। इसरो के विक्रम लैंडर को लेकर नागपुर पुलिस ने मजेदार ट्वीट किया था। पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा प्रिय विक्रम कृपया जवाब दी, सिग्नल तोड़ने के लिए हम आपको दंडित नहीं करेंगे। तब से कई ने बड़ी संख्या में लाल सेवा के लिए अपन इधर ही चेक कहकर नागरिकों को निडर रहने का आश्वासन दिया था। नागपुर पुलिस समय समय पर विषय के अनुसार अलग अलग तरह से ट्वीट कर नागरिकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर। हो, साइबर गुन्हे एक मेजर त्याचे प्रमाण संपूर्ण सगळे ठिकाणी वाढत आहे ही खरी गोष्टी आहे, आणि त्याचे प्रिव्हेंशन आणि डिटेक्शन ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे। पोलीस जरी प्रिव्हेंशन आणि डिटेक्शनसाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करत असतील आणि डिटेक्शन करण्यासाठी आमच्याकडे सगळे सोयी सुविधा आणि एक्सपर्टाईज असतील, तरी पण प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून लोकांना अवेअरनेस होणे अत्यंत आवश्यक आहे। म्हणून आम्ही वेळोवेळी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, आमचे जे ट्विटर हँडल आहे, आमचे फेसबुक पेज आहे आणि इतर माध्यमातून आम्ही लोकांना पोलिसांकडून जागरूकता पसरवण्याचे प्रयत्न होत असते, आणि आमचे डिजिटल कम्युनिकेशन सेल अत्यंत चांगले एक्सपर्ट्स त्यामध्ये आहे, आणि आम्ही क्रिएटिव्ह पोस्ट जेणेकरून जे अटेन्शन कॅच होईल आणि लोकांना लक्षात येईल की कसे त्यांचे पासवर्ड्स, पिन नंबर्स आणि इतर पर्सनल डिटेल्स शेअर करताना काळजी ठेवायला पाहिजे आणि कोणालाही शेअर न करता ते सिक्रेट ते त्यांचे सिक्रेसी मेंटेन व्हायला पाहिजे। ही जागरूकता पसरवण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी उपाययोजना करत असते आणि हे पुढे पण आम्ही करू। आपले माध्यमातून पण आमची अपेक्षा राहील, आपल्याला अपील राहील, जनताला अपील राहील की या विषयावर जे काही त्यांचे स्तरावर अवेअरनेस क्रिएट करण्यासाठी शक्य असतील ते नक्कीच करावी। सायबर क्राईमचे प्रमुख्यता जे डिजिटल इकॉनॉमी आहे, ई गव्हर्नन्स आहे, ही सगळ्याचे प्रमाण वाढत आहे। तसेच या सगळेमध्ये ज्युरिस्डिक्शन, जे टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन असतो, त्याचे कोणताही बाउंड्री नसतात। आरोपी कुठूनही बसून कुठेही गुन्हे करू शकतात। हे सगळे असताना थोडासा डिटेक्शन आणि आरोपी अटक करण्यामध्ये चॅलेंज असतो, परंतु तरी पण आम्ही आपल्याला सांगतो पोलीस दल पूर्णपणे हे नवीन चॅलेंजेसला तोंड देण्यासाठी आम्ही आमचे कॅपॅसिटी बिल्डिंग करत आहे आणि आमचे लोक अशा प्रकारचे क्रिमिनल्स हाताळण्यासाठी पूर्णपणे सुसज्ज आहे। सायबर पोलीस स्टेशन क्रियान्वित झालं आहे का? हो, सायबर पोलीस स्टेशन क्रियान्वित झालेले आहे। फक्त त्यामध्ये FIR रजिस्ट्रेशन करायसाठी एक टेक्निकल CCTNS अडचण आहे, ती अडचण दूर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि पुढच्या काळात नक्की ते पण करण्यात येईल।